हे गाइस, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने YouTube चैनल के सी टैली स्पेशलिस्ट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमारे YouTube चैनल पर आपको फ्री कंप्यूटर क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है। इसपे कई टाइप के कोर्सेस चल रहे हैं, जिसमें कुछ कोर्सेस कंप्लीट हैं, जैसे ट्रिपल सी का कंप्लीट कोर्स आपको इस पर मिल जाएगा, टैली ईआरपी 9 का कंप्लीट कोर्स आपको इस पर अवेलेबल कराया जा चुका है, जिससे आप जाकर के स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। लैंग्वेजेस की क्लासेस चल रही हैं, एमएस ऑफिस की क्लासेस चल रही हैं। उसी क्रम में मैं आज आप लोगों को आगे की क्लास देने वाला हूं। हमारे इसी चैनल पर आपको टैली प्राइम की कंप्लीट वीडियोस मिलने जा रही हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी और कंप्लीट टैली प्राइम का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस पर कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के पास। तो चलिए गाइस, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और एमएस वर्ड का आगे का वीडियो हम देखते हैं। हे गाइस, तो हम आ चुके अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और चलते हैं एमएस वर्ड को ओपन करते हैं। गाइस, आप लोगों को मालूम हो कि मेरी जो पिछली क्लास थी एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत एमएस वर्ड की, जो मेरी क्लास प्रोवाइड हो रही है आप लोगों को, उसमें मैंने लास्ट वीडियो जो दिया आपको, उसमें मैंने कंप्लीट फाइल का नॉलेज आपको प्रोवाइड किया। उसमें फाइल के बारे में मैंने टोटल आप लोगों को बताया हुआ था। आज हम देखेंगे एमएस वर्ड के होम मेन्यू को, और होम मेन्यू के अंतर्गत जो टैब्स आते हैं आपके, जैसे क्लिपबोर्ड टैब, फॉन्ट टैब, पैराग्राफ टैब, इसके बारे में हम आज पढ़ते हैं और समझते हैं अच्छे से। तो गाइस, फर्स्ट टैब हमारा है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये क्लिपबोर्ड टैब आपको शो कर रहा है। इनके ऑप्शंस को हम समझते हैं, हालांकि सबका बहुत बेसिक यूज़ है। अगर आपको बेसिक एप्लीकेशंस का भी नॉलेज है, अगर आपने नोटपैड, वर्डपैड, पेन, मेरी लास्ट वीडियोज़ अगर देखी होंगी, बेसिक की वीडियोज़ अगर आपने देखी होंगी, तो आपको कट, कॉपी, पेस्ट के बारे में अच्छे से ज्ञान होगा। जिसने भी नहीं देखा है, हमारा बेसिक वीडियो ज़रूर देख ले। तो गाइस, चलते हैं, देखते हैं होम मेन्यू के अंतर्गत जो पहला टैब है क्लिपबोर्ड टैब, कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है, इन सब के बारे में हम समझते हैं। तो हम पहले थोड़ा सा कुछ कंटेंट लिख लेते हैं यहाँ पर, और फिर हम कट, कॉपी, पेस्ट को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। कट का मतलब होता है, कट मीन्स काटना। किसी भी सेंटेंस या वर्ड या कैरेक्टर को आप सेलेक्ट करके उसको वहां से कट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं किसी अदर लोकेशन के लिए। अगर हमें लोकेशन चेंज करना होता है किसी भी कंटेंट का, या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कह सकते हैं, तो उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। जैसे इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ आप देख पा रहे हैं आप कि कट, आपका कट और कॉपी दोनों ही हाईलाइट हो गया है। जब हमने सिलेक्शन नहीं कर रखा था तो ये आपको हाईलाइट नहीं मिल रहा था, मतलब एक्टिव नहीं था, कट पर क्लिक करने का कोई मतलब नहीं था। हम क्या करते हैं, जो कंटेंट हमें यहां से इसका लोकेशन चेंज करना है उसे हम कट कर लेते हैं। कट का यूज हम मूव करने के लिए करते हैं। आप देख पा रहे हैं कट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस एक्स, रिमूव द सिलेक्शन एंड पुट इन ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। आप यहां से रिमूव करेंगे, यहां से कट करेंगे और किसी अदर लोकेशन में ले जाकर इसको आप पेस्ट करेंगे, तो कट कर देंगे। अगर हम यहां पर क्लिक करते हैं या हम कीबोर्ड से स्मार्ट तरीके से कंट्रोल प्लस एक्स कर देते हैं, तो ये जो भी कंटेंट है आपका वहां से रिमूव हो गया। अब हम उसको मान लेते हैं नीचे पेस्ट करना चाहते हैं, एंटर करते हैं, हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ कहीं हमें पेस्ट करना है, किसी अदर फाइल में पेस्ट करना है, किसी अदर पेज पर पेस्ट करना है, वहाँ आप अपने कर्सर पॉइंट को ले जाएंगे, इंसर्शन पॉइंट को वहाँ पर आप शिफ्ट कर देंगे और नॉर्मली पेस्ट पर क्लिक कर देंगे, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस बी। पेस्ट मीन्स होता है चिपकाना। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है एड कंटेंट ऑन द क्लिपबोर्ड टू योर डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट में जहां भी कंटेंट को ऐड करना चाहते हैं वहां पर पेस्ट बटन को क्लिक कर दें, या कंट्रोल के साथ बी प्रेस कर देंगे, वो वहां पेस्ट होकर के आ जाएगा। तो ये सिंपल सा तरीका है कट करने का और पेस्ट करने का। यदि हमें इस कंटेंट का कॉपी ऑफ कंटेंट लेना है तो यहां से हम कॉपी पर क्लिक करते हैं और ये कंटेंट आपका कॉपी होता है। कॉपी जस्ट इसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाता है। कॉपी का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल के साथ सी की को आप कीबोर्ड में अपने प्रेस करेंगे तो आप जो भी सिलेक्टेड कंटेंट होंगे आपके वो कॉपी हो जाएंगे, मीन्स उसका डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगा। उसको आप किसी भी लोकेशन में ऐड करना चाहते हैं, वहां पर पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली पेस्ट पर क्लिक कर देंगे और वो ऑब्जेक्ट या वो कंटेंट आपका पेस्ट हो जाएगा। ये तो नॉर्मल सा वर्क आपने कट, कॉपी, पेस्ट को देखा। आप यहाँ पेस्ट पर एक ट्रायंगल बना हुआ है नीचे, जिस पर हम क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट आती है ड्रॉप डाउन लिस्ट, इसमें
आपको तीन ऑप्शन मिल रहा है, एक है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, इसके बाद मर्ज फॉर्मेटिंग एंड कीप टेक्स्ट ओनली। ये पेस्ट स्पेशल है जो कि अंदर अभी आप पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करेंगे तो आपको एक डायलॉग देखने को मिलेगा। यही चीजें हम वहां से भी कर सकते हैं, फॉर्मेटेड टेक्स्ट भी ले सकते हैं, विदाउट फॉर्मेटेड ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इसको हम यहाँ समझें। उससे पहले हमें क्या करना होगा, हम अपने यहाँ से अपने कंटेंट को फुली फॉर्मेट कर लेंगे, उसमें फॉन्ट में भी चेंजेस कर सकते हैं, बोल्ड डिटेलिक अंडरलाइन जिस तरह से आप करना चाहते हैं उस फॉर्मेट में आप उसको कर सकते हैं, कलरफुल आप कर लें। आप अदर कोई फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं, कोई स्टाइल देना चाहते हैं, कोई इफेक्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इफेक्ट टेक्स्ट भी आप दे सकते हैं यहाँ से। इस तरह से मैंने कंप्लीट फॉर्मेट कर लिया अपने टेक्स्ट को, और अब हम क्या करते हैं, अब इस टेक्स्ट फॉर्मेट को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल एन कर दिया, न्यू पेज आ गया। आप देखें कॉपी कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ ट्रायंगल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम देखें अगर हमें फॉर्मेटेड टेक्स्ट चाहिए तो आप देख पा रहे हैं सब में सबका मतलब लिखा हुआ है, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जो आपने सोर्स फाइल या जो सोर्स कंटेंट आपने कॉपी किया था जिस मोड में वो कंप्लीट फॉर्मेटिंग के साथ यहाँ पर पेस्ट होगा। और इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं तो मर्ज फॉर्मेटिंग, जो फर्स्ट फॉर्मेटिंग हमने प्रोवाइड कराया था फॉन्ट में, जो मेन फॉर्मेट प्रोवाइड किया था मैंने, वो फॉर्मेट यहाँ पर आएगा। और अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं तो नॉर्मल टेक्स्ट जैसे लिखा हुआ टेक्स्ट था उस तरह से आपका पेस्ट होकर के आएगा। मींस पेस्ट स्पेशल का मतलब ये स्पेशल तरीके से पेस्ट करना, एक बार हम कंटेंट को फुली फॉर्मेट करके कॉपी कर लें फिर उसको अलग अलग तरीके से पेस्ट कर सकते हैं, बार बार हमें कंटेंट को कॉपी करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपने देखा तीनों को हमने करके दिखाया नहीं, बट यहाँ पर आपका आ रहा है सेम वही काम, अगर हम क्लिक कर देते हैं तो भी आ जाएगा। यही चीजें हम पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स प्रेजेंट करके भी कर सकते हैं। आप देखें कि यहाँ पर एक ऑप्शन है पेस्ट और एक है पेस्ट लिंक, तो पेस्ट के अंतर्गत इतने सारे ऑप्शंस आपको, इतने कंटेंट दिख रहे हैं जो अलग अलग, जो एक स्पेशल तरीके से आपके फुल फॉर्मेटेड कॉपी टेक्स्ट को अलग अलग फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे। तो हम एक एक करके समझते हैं। अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट, इसे अगर हम क्लिक करते हैं तो नॉर्मल एकदम बेसिक फॉन्ट में आपका पेस्ट होकर के आ जाएगा यूनिकोड टेक्स्ट में, जैसे हमने फर्स्ट टाइम इसको लिखा हुआ था। और आपने देखा कि मैंने कॉपी किस कंडीशन में किया था, कंप्लीट फॉर्मेट करने के बाद, मीन्स हमने कंप्लीट फॉर्मेटिंग को करके तब कॉपी किया और पेस्ट में हम अलग अलग तरीके से स्पेशल तरीके से उसको पेस्ट कर सकते हैं जो हमने फुल फॉर्मेटेड टेक्स्ट को कॉपी किया हुआ था। तो फर्स्ट स्टेप ये आपने देखा, सेकेंड हम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पेस्ट स्पेशल में चलते हैं और यहाँ आप देखें HTML फॉर्मेट, HTML का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वेब पेज को डिजाइन करने की भाषा है, मार्कअप लैंग्वेज है उस, मतलब यहाँ HTML फॉर्मेट का मतलब जो फुल फॉर्मेट स्टाइल है उस फॉर्मेट में आपका पेस्ट हो जाएगा। आपने देखा था कि मैंने कंप्लीट फॉर्मेटेड टेक्स्ट को ही कॉपी किया था, सेम उसी तरीके से पेस्ट होकर के आ गया है। अगला स्टेप हम देखते हैं इसमें, पिक्चर एनहेंस मेटाफाइल, मेटाफाइल फॉर्मेट में इसको पिक्चर फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो यहां से ओके करेंगे, पिक्चर फॉर्मेट में आपकी फाइल पेस्ट होकर के आ गई। मींस इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपका सिलेक्शन पॉइंट आ जाता है, जबकि इन कंटेंट्स में जो मैंने पहले पेस्ट किया अलग अलग स्टाइल में उसमें आपका पिक्चर मेटाफाइल नहीं बन रहा है, बट इसमें आपका पिक्चर मेटाफाइल है। मीन्स यहाँ से इसको हम ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसको जिधर भी चाहे उधर पोजीशन में हम ले जा सकते हैं, रख सकते हैं, और इसको हम ड्रैग करके खींच के इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं फॉन्ट का। तो ये एक स्पेशल फॉर्मेट है ये जो हम पेस्ट कर रहे हैं। अब आप देखते हैं अगला स्टेप इसका, टेक्स्ट। आप देखेंगे यहाँ पर भी हम क्लिक करेंगे तो एक बार फिर से हम अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फुल फॉर्मेटिंग में हम पेस्ट कर रहे थे और अनफॉर्मेटेड से जाकर के हम विदाउट फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट को या कंटेंट को अपने पेस्ट कर सकते हैं पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन की मदद से। इसमें अगला ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, यहां से हम ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में ले सकते हैं। यहां पर लिखा है डिस्प्ले एज आइकन्स, आइकन्स की तरह से अगर हम लेना चाहते हैं, देख रहे हैं जैसे आइकन बना हुआ है वही जो कंटेंट हमने कॉपी किया था उसको हम ऑब्जेक्ट के तरीके से आइकन के रूप में पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं हम आइकन को चेंज भी करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ एज आइकन करके हम ओके करेंगे तो आइकन के फॉर्मेट में आपका वही कंटेंट पेस्ट होकर के आ गया
मीन्स इस तरह से अपने आप जो भी कंटेंट है उसको स्पेशल तरीके से पेस्ट कर लेंगे, जिससे किसी अगले व्यक्ति को ये मालूम नहीं हो पाएगा कि इसमें वो आपका कॉपीड कंटेंट है। बट यहाँ पर अगर हम डबल क्लिक कर देते हैं तो हमारा एक अलग फाइल में वो कंटेंट ओपन होकर के आ जाता है। मीन्स एमएस वर्ड का एक अलग फाइल, एक आइकन क्रिएट हो जाता है वर्ड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये काम भी हम इस तरह से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट सेल में जो अगला ऑप्शन है उसे हम देखते हैं। जैसे अब पेस्ट आपने देख लिया कम्प्लीटली, अब हम पेस्ट लिंक देखते हैं। पेस्ट लिंक क्या होता है? पेस्ट लिंक का मतलब होता है हम जो भी कंटेंट पेस्ट कर रहे हैं वो एक लिंक का बिहेवियर होगा उसका। लिंक मतलब होता है जुड़ाव, जो किसी फाइल को भी जोड़ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक जैसे मान लेते हैं हमारा कोई फाइल एमएस एक्सेल पर है, तो हम यहाँ से एक्सेल ओपन कर लेते हैं और हम एक्सेल पर कोई भी कंटेंट लिख लेते हैं और फिर उस कंटेंट को हम वहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। जैसे हमने लिख दिया केसीआई को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसे हमने मिनिमाइज कर दिया फाइल को, और हम यहाँ पर आते हैं पेस्ट सेल पर चले जाते हैं और पेस्ट लिंक ऑप्शन को हम यहाँ से पेस्ट लिंक पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम ओके कर लेते हैं। वो लिंक केसीआई नाम का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं तो फाइल नहीं ओपन हो रही, लेकिन अगर यहीं पर राइट क्लिक किया जाए तो आप देखेंगे लिंक वर्कशीट ऑब्जेक्ट, यहीं से डायरेक्टली ये लिंक बन गया और डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट फाइल को हम खोल सकते हैं जिस भी कंटेंट को हमने जहां से भी लिया हुआ है। हम कोई जरूरी नहीं है कि हम एमएस एक्सेल से ही लें, हम किसी भी एप्लीकेशन से, एमएस ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन से ले सकते हैं, या एमएस वर्ड की कोई दूसरी फाइल हो और उस फाइल पर हमें जंप करके जाना हो तो उसके किसी भी कंटेंट को हम कॉपी करके यहाँ एकदम से उसे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से फिर हम डायरेक्टली उसको ओपन कर सकते हैं लिंक को, और यहाँ पर हम अपना काम बार बार कर सकते हैं। तो पेस्ट लिंक हो गया। तो इस तरह से पेस्ट सेल आपने देखा, पेस्ट सेल के सारे इफेक्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो रहे हैं। तो आपने यहाँ से पेस्ट सेल के सारे कंटेंट को देखा, कैसे हम स्पेशल तरीके से पेस्ट कर सकते हैं और कैसे हम किसी कंटेंट को लिंक बना करके पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका पेस्ट सेल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। इसके द्वारा हमारा कई काम बहुत आसान हो सकता है। अगला हम देखते हैं, आप देख पा रहे हैं फॉर्मेट प्रिंटर के जो शॉर्टकट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर, एक से ज़्यादा शॉर्टकट लिखने का रीज़न है कि ये पहले फॉर्मेटिंग को कॉपी करने का काम करता है, फिर फॉर्मेटिंग को पेस्ट करता है। तो कॉपी फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी, एंड पेस्ट फॉर्मेटिंग का शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, अगर हम कॉपी करना चाहें फॉर्मेटिंग को, तो यहाँ से अगर हम सेलेक्ट करते हैं इसको और यहाँ कंट्रोल शिफ्ट एंड सी कर देते हैं, फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाता है और यहाँ कहीं पर हम फॉर्मेटिंग को पेस्ट करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी कर देते हैं। आप देख पा रहे हैं फॉर्मेटिंग पेस्ट हो गया। यही काम हम कि जब हम किसी भी वर्ड या कैरेक्टर पर अपने कर्सर को, इंसर्शन पॉइंट को शिफ्ट कर देते हैं तो आपका जो फॉन्ट का फॉर्मेट होता है वो आपके फॉन्ट टैब में आप देख पा रहे हैं यही फॉन्ट फॉर्मेट और स्टाइल लग जाती है। और फिर हम क्या करते हैं, जिस फॉन्ट को या जिस पैराग्राफ को या जिस सेंटेंस को हमें इस फॉर्मेट में चेंज करना है तो उसके लिए हम फॉर्मेट प्रिंटर उठाते हैं और उस फॉर्मेटिंग पर हम इसको ऐसे ही ड्रैग कर देते हैं। तो आप देख पाएंगे डायरेक्टली वो फॉर्मेट चेंज हो गया, मीन्स यहाँ से फॉर्मेटिंग को कॉपी किया गया और यहाँ पर फॉर्मेटिंग को पेस्ट कर दिया गया। तो ये है फॉर्मेट प्रिंटर। तो आपने क्लिपबोर्ड के सारे ऑप्शंस को देखा, हमने कैसे कॉपी किया, कैसे कट किया, कैसे पेस्ट किया, फॉर्मेट प्रिंटर का इस्तेमाल कैसे किया, फुल फॉर्मेटेड कंटेंट को कॉपी करके हमने उसको स्पेशल तरीके से कैसे पेस्ट किया, किसी कंटेंट को हमने लिंक कैसे बनाया पेस्ट है लिंक के ऑप्शन से। तो ये सारे काम आप आसानी से क्लिपबोर्ड टैब की मदद से कर सकते हैं। एक इसमें और बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क होता है क्लिपबोर्ड के द्वारा। जब ये ट्रायंगल आप देख रहे हैं यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग आपका प्रेजेंट हो जाता है क्लिपबोर्ड का। इसके द्वारा हम अलग अलग पैराग्राफ को या अलग अलग हेडिंग को एक साथ कॉपी कर सकते हैं और फिर उनको अलग अलग तरीके से पेस्ट कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे मैंने ये एक सेंटेंस यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पर हम गए, हमने इसको सेलेक्ट किया
और हमने इसे कॉपी कर लिया। आपके क्लिपबोर्ड में यहाँ पर देखिए ऐड होकर के आएगा। सबसे मजे की बात कि जिस भी फॉर्मेट में हम कॉपी करेंगे वो उसी फॉर्मेट में पेस्ट होगा। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं, दूसरे पैराग्राफ के पहले सेंटेंस को यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। अब हम और नीचे आते हैं, जैसे ये आपका कंटेंट है, यहाँ से हमने इसको भी सेलेक्ट किया और कॉपी कर लिया है। चूंकि हमने कोई हेडिंग नहीं बनाई है बट हमारे पास एक से ज़्यादा पैराग्राफ हैं, उसके हम सेंटेंस को यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक सेंटेंस ही कॉपी करें, हम एक पूरा पैराग्राफ भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पूरे पैराग्राफ को कॉपी कर लिया, पूरे पेज के मैटर को कॉपी कर सकते हैं और वो ऐड होता है इसमें चला जाएगा। मीन्स एक बार में हम एक से ज़्यादा एक्शन कॉपी का कर सकते हैं, सब अलग अलग तरीके से कॉपी होता चला जाएगा और उसके बाद हम उसको जब जिसको चाहें उसे पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी कर लिया हमने, अब हम आपको पेस्ट करके दिखाते हैं। यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, यहाँ हम क्लिक करेंगे डायरेक्टली पेस्ट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे ये पूरा कंटेंट आपका पेस्ट होकर के आ जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे मतलब अलग अलग कॉपी करके उसको अलग अलग तरीके से हम पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे पेस्ट होकर के आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे पेस्ट होकर आ जाएगा। मतलब जो जिस फॉर्मेट में हमने कॉपी किया होगा वो उसी फॉर्मेट में पेस्ट होगा। एक साथ हम एक से ज्यादा बार कॉपी कर सकते हैं और उसको जब चाहें तब यहाँ क्लिपबोर्ड की मदद से हम पेस्ट कर सकते हैं। एक साथ हम पूरे को पेस्ट करना चाहते हैं, पेस्ट डाल कर देंगे, टोटल कंटेंट आपका पेस्ट होकर के आ जाएगा। और अगर हम इसे रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ से क्लियर ऑल कर देंगे, ये रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आपने कंप्लीट क्लिपबोर्ड टैब को जाना और समझा। यदि कोई दिक्कत होती है आपको तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टैब पर जो कि हमारा फॉन्ट टैब है। हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे को। चूंकि जितने भी कंटेंट को आपको फॉर्मेट करना है उसे सेलेक्ट करना मस्ट है, विदाउट सेलेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। आप देखें सेलेक्ट करते ही यहाँ पर भी एक डायलॉग आ गया, मतलब फॉन्ट का जो फॉर्मेटिंग हम फॉन्ट टैब से करते हैं वो काम हम यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। बट हम यहाँ फॉन्ट टैब पर आएंगे और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे अगर हमें फॉन्ट चेंज करना है तो। अब हम कोई भी फॉन्ट यहाँ से चेंज कर लेंगे। आप जान रहे हैं पहले से अलग अलग फॉर्मेट में है दिखा रहा है। अगर हम चाहते हैं सारी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर दें तो ये क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन होता है, यहाँ से कंप्लीट फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगा, सब एक तरीके से शो करने लगेगा। हम यहाँ से कोई भी फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम वो फॉन्ट चेंज करके देख पाएंगे। यहाँ पर हम चले गए, ये फॉन्ट जैसे मैंने ले लिया, फॉन्ट का फॉर्मेट चेंज हो गया। हम फॉन्ट की साइज को बढ़ाना चाहते हैं, यहाँ पर काउंट है जो मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है। हम यहाँ से इसको फॉन्ट की साइज को बढ़ा सकते हैं जितना हमारी आवश्यकता हो, जितनी हमें ज़रूरत हो फॉन्ट की साइज को बढ़ाने की। तो हमने यहाँ से फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसे हम बोल्ड करना चाहें तो यहाँ से बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड में स्ट्रांग हो जाता है कलर आपका और हेल्दी हो जाता है फॉन्ट। इटैलिक करेंगे तो तिरछापन आ जाएगा, थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। बोल्ड हटा देंगे और यहाँ से फिर क्लिक करके हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, मतलब टॉगल कर सकते हैं डायरेक्टली। क्लिक से एब्सेंट हो जाएगा बोल्ड एक्शन और क्लिक से ही प्रेजेंट हो जाएगा बोल्ड एक्शन। यहाँ से एब्सेंट करा, यहाँ से इटैलिक एक्शन लगा देंगे, थोड़ा सा तिरछा फॉन्ट हो जाएगा और यहाँ से सीधा कर लेंगे। कभी कभार दिक्कत होती है कि हम फॉन्ट को बोल्ड करते हैं और फॉन्ट बोल्ड नहीं होता, बिकॉज बोल्ड फॉन्ट की स्टाइल ही हमने यहाँ से ले रखी होती है। जैसे एरियल ब्लैक को हम बोल्ड करेंगे फिर दोबारा तो क्या बोल्ड होगा, चूंकि पहले से ही बोल्ड स्टाइल है इसकी, तो इसका भी विशेष ध्यान देना होता है हमें। अगला ऑप्शन यहाँ से हम अंडरलाइन देना चाहें तो हम अंडरलाइन भी यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंगल अंडरलाइन देना है तो जो सेलेक्टेड आपके कंटेंट है या पैराग्राफ है उन पर ही अप्लाई होगा। अगर ये हम डबल लाइन करना चाहते हैं तो डबल लाइन कर सकते हैं। अगर हमें डार्क एक सिंगल लाइन डार्क करना चाहते हैं तो हम डार्क भी कर सकते हैं। जिस तरह से इस एक्शन का हम इस्तेमाल करना चाहें उस तरह से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। डॉटेड डॉटेड कर सकते हैं, डैश में कर सकते हैं, हम श्रिंक लाइन की तरीके से कर सकते हैं।
और यहाँ से नन भी कर सकते हैं, हटा सकते हैं। मोर अंडरलाइंस में जा करके आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं और यही अंडरलाइन को आप कलर प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए उस टाइप का कलर आप अंडरलाइन का दे सकते हैं। मैंने आपको फॉन्ट बताया, फॉन्ट की साइज बताया, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन बता दिया। यहाँ से मैंने छोड़ दिया था बिकॉज हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन दिखाना चाह रहे थे आपको पहले। यहाँ से हम क्या करते हैं, फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज करने का काम करते हैं डायरेक्टली। जैसे यहाँ फॉन्ट की साइज हमारे सामने लिख के आ रहा है, उसको हम यहाँ से अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ से हम क्या करते हैं डायरेक्टली क्लिक करते जाते हैं और फॉन्ट आपका इंक्रीज होता चला जाता है। अब आप देख पा रहे हैं केवल एक वर्ड इंक्रीज हो रहा है बिकॉज वहाँ मेरा कर्सर है, इंसर्शन पॉइंट है, तो वो वर्ड सेलेक्ट है इसलिए वो इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इसको यहाँ से डिक्रीज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम डिक्रीज कर सकते हैं। अगर हम इस पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर जा कर के इंक्रीज करते हैं फॉन्ट को, तो इंक्रीज होता चला जाता है आपका। यहाँ से डिक्रीज करना चाहें तो डिक्रीज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट लेस देन के द्वारा हम डिक्रीज करते हैं फॉन्ट को, और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन के द्वारा हम इसको इंक्रीज करते हैं। अगर अपने हम पैराग्राफ का जो केस है वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज केस का यूज हम कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये केसेस को चेंज करना। सेंटेंस केस में आप देख पा रहे हैं जिस तरह से चेंजेस होते हैं उसी फॉर्मेट में लिखे गए हैं। सेंटेंस केस में क्या होता है, सेंटेंस का पहला कैरेक्टर जो होता है वो कैपिटल हो जाता है और सारे स्मॉल हो जाते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि हम सेंटेंस केस अप्लाई कर रहे हैं बस कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं आ रहा। कारण क्या है, हमने जो फॉन्ट ले रखा है उसका स्टाइल ही अपर केस है। वो अपर केस में आप देख रहे हैं ना, अल्जेरियन जो है वो आपका फॉन्ट का स्टाइल ही आपका अपर केस में है, जो कि आप कितना भी चेंज करने का प्रयास करेंगे वो चेंज नहीं होगा। हम यहाँ से जाएं और नॉर्मली हम एरियल ब्लैक ले लेते हैं यहाँ से, और अब हम जा करके यहाँ पर सेंटेंस केस लगाएंगे जो कि पहले से अप्लाई है। आप देखें टू में यहाँ टी कैपिटल है और सब स्मॉल है। पैराग्राफ का जो पहला लेटर है वो कैपिटल है और सब स्मॉल हो गए हैं। ऐसा सेंटेंस केस है आपका। अगर हम लोअर केस पर क्लिक कर देते हैं तो टोटल लोअर फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। जो सेंटेंस केस में पहला कैरेक्टर आपका कैपिटल था वो भी स्मॉल हो गया। अगर हम अपर केस डाल देते हैं तो सारे फॉन्ट कैपिटल लेटर में हो जाएंगे, अपर केस में हो जाएंगे, कोई भी इसमें आपको स्मॉल फॉन्ट नहीं दिखेगा, मीन्स लोअर केस में नहीं दिखेगा। अगर हम कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दें, जिसे हम टाइटल केस भी कहते हैं, यहाँ पर क्लिक करने पर क्या होगा कि वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर आपका कैपिटल हो जाएगा और सारे कैरेक्टर्स स्मॉल हो जाएंगे। प्रत्येक वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा और वर्ड के टोटल कैरेक्टर स्मॉल हो जाएंगे। यहाँ से जाते हैं टॉगल करते हैं। टॉगल केस का मतलब होता है अपोजिट केस चेंज कर देता है। यदि कैपिटल है तो स्मॉल कर देगा, स्मॉल है तो कैपिटल कर देगा। तो आप देख पा रहे हैं वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल है और सारे कैरेक्टर्स जो भी हैं वो स्मॉल में है, तो ये जस्ट अपोजिट करेगा, मीन्स हर वर्ड का पहला लेटर ये स्मॉल कर देगा और सबको कैपिटल फॉर्मेट में चेंज कर देगा। इसे बोलते हैं टॉगल केस। यहाँ मैंने आपको बताया था कि टोटल फॉर्मेटिंग दिया है जो, उसको यहाँ से हम क्लियर कर सकते हैं, नॉर्मल फॉर्मेट में ले सकते हैं, बट केस तो वही है, तो हम यहाँ से जा करके केस चेंज करके सेंटेंस केस में कर देते हैं। यहाँ तक मैंने भी आपको बताया था अंडरलाइन तक। यहाँ से स्ट्रिक थ्रू लाइन लेंगे तो बीच में एक कट लाइन आ जाएगा, एक इफेक्ट है ये, कट करके हम दे सकते हैं, दिखा सकते हैं, एक अलग स्टाइल है ये, स्ट्रिक थ्रू लाइन बोलते हैं इसको। स्ट्रिक लाइन को हम यहाँ से हटाना चाहें तो यहाँ से हटा भी सकते हैं, यहाँ से लगा सकते हैं। अगला ऑप्शन हम देखते हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट का मतलब क्या है, जैसे हमें A2 लिखना है, A2 प्लस B2 लिखना है हमें, बट हम चाहते हैं ये सबस्क्रिप्ट में आए, तो यहाँ से इसको हमने सेलेक्ट किया और सबस्क्रिप्ट कर दिया, A2 कर दिया और यहाँ से B2 कर दिया, दोनों को हमने सबस्क्रिप्ट में कर दिया। अगर हम चाहते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए, हम पहले यहाँ से हटा देंगे इसका सिलेक्शन, हमने लिख दिया A2 कर दिया प्लस B
अब हम इस 2 को स्क्वायर पे करना चाहते हैं, सुपर स्क्रिप्ट करना चाहते हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर हो गया और यहाँ पर वी स्क्वायर हो गया। इस तरह से अगर हमने लिखना है तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ ए टू और बी टू में आपका सब स्क्रिप्ट लगा हुआ है और जिसका शॉर्टकट आपका होता है कंट्रोल प्लस इक्वल, और यहाँ पर आपका लगा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, मतलब कंट्रोल बटन, शिफ्ट बटन और प्लस बटन, ये 3 बटन को हम एक साथ प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ इक्वल हम यूज करेंगे तो सब स्क्रिप्ट फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ से कोई भी फॉन्ट है, हम डायरेक्ट कोई भी जैसे बोल्ड इटैलिक ऐसा कुछ हम नहीं देना चाहते हैं, हम डायरेक्ट उसमें कोई भी इफेक्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो देखिए इफेक्ट यहाँ से अप्लाई हो जाएगा जिस भी इफेक्ट फॉर्मेट में हम इसको डालना चाहते हैं, कोई भी इफेक्ट हम यहाँ से यूज करना चाहें तो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा, किसी भी इफेक्ट फॉर्मेट में हम इसको चेंज करना चाहें तो यह इफेक्ट लग जाएगा। कुछ यहाँ पर सिंपल इफेक्ट दिए हुए हैं, यहाँ से हम आउटलाइन को अलग अलग कलर प्रोवाइड कर सकते हैं जिस भी कलर में हम आउटलाइन को देना चाहें। आप देखें जितना सेलेक्टेड कंटेंट था उतने में आपका इफेक्ट अप्लाई हो गया है। हम यहाँ से इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे फॉन्ट को, जिसके द्वारा आपको समझने में आसानी होगी। यहाँ हम चले जाएंगे और देखेंगे शैडो प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम अलग अलग तरीके के शैडो इफेक्ट्स हैं इसमें, वो हम यहाँ से फॉन्ट में अपने दे सकते हैं। यदि हमें रिफ्लेक्शन प्रोवाइड करना है कि हमारा जो फॉन्ट है या जो हमारा कंटेंट है या पैराग्राफ है वो रिफ्लेक्ट होकर के आए तो वो रिफ्लेक्शन में आ जाएगा। इसमें अलग अलग स्टाइल है जो कि आप देख पाएंगे। ग्लो हम चाहते हैं फॉन्ट के साथ तो यहाँ ग्लो स्टाइल है, ग्लो फॉर्मेट में आपका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। इसी तरह से अपने इस तरह से हम अलग अलग तरीके से इफेक्ट्स को डाल सकते हैं। यदि हम अपने हेडिंग को हाईलाइट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से जैसे मेरी हेडिंग है मान लेते हैं और यहाँ से हम हाईलाइटर लेकर के उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, किसी भी हेडिंग को अलग अलग कलर में हम हाईलाइट कर सकते हैं। इसके द्वारा हम फॉन्ट का कलर चेंज कर लेंगे। फॉन्ट कलर बदलना है तो जिस भी कलर पे आपको जाना है, जो भी कलर आपको रखना है फॉन्ट का, वहाँ क्लिक करेंगे आपके फॉन्ट का कलर डायरेक्टली चेंज हो जाएगा। अगर हम इन कलर्स के अलावा और एक्स्ट्रा कलर यूज़ करना चाहते हैं, ग्रेडियंट यूज़ करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा कलर के लिए मोर कलर में जाएंगे और ग्रेडियंट्स के लिए हम यहाँ से ग्रेडियंट्स को बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें जिस कलर का ग्रेडियंट लेना है वो कलर यहाँ पर चुनना पड़ेगा और फिर ग्रेडियंट पर जाएंगे और उस तरह का ग्रेडियंट अप्लाई हम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि क्लिपबोर्ड टैब क्या होता है, फॉन्ट टैब क्या होता है। आगे हम गाइस आज की क्लास में बस इतना, नेक्स्ट डे हम इसके आगे की वीडियो लेकर के आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। यदि आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।